भुवनसांचे दरबार की जय। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुंड तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्रः सुरावन्निपुरोगमस्ता कात्यायनितोषभुवनेश्वरलाभा विकाशिभद्राज विकाशिताशः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि विश्वम् त्वमीश्वरि देविचराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत आप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्य त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तिहेतुः विद्यः समस्तास्तव देवि वेदः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूर्वितमन्दयेत काते स्तुतिस्तभ्य परा परोक्तिः सर्वभूताय यदा देवी स्वर्गमुक्ते प्रदायिनि वंशुनाथेवा भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गाभवर्गे देवे नारायणे नमस्तुते कलाकाश्चाधिरूपेण परिणाम प्रदायिनि विश्वस्य भर्गोषत्वे नारायणे नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्भके गौरे नारायणे नमस्तुते श्रीश्रीश्रीविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशये गुणमये नारायणे नमस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवे नारायणे नमस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कोशं वहर्षरिके देवे नारायणे नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महाविषववाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणे नमस्तुते मयूरकुकुटवृते महाशक्तिधरे नगे
कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। शंख चक्र गदाशान गृहीता परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते। गृहीताग्र महाचक्र दशरथ सुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते। नृसिंह रूपे नौग्रेण हन्तुं यज्ञाङ्गसाध्यमे त्रैलोक्यत्राण सैते नारायणी नमस्तुते। किरीटिणी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरिचेन्द्रे नारायणी नमस्तुते। शिवधूते स्वरूपेण हतचैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। दशाग्रराजवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्ड्रे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शद्धे पुष्टिसुधे सुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेधे सरस्वती भये भूतिभाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत् भग्नं सौम्यं लोचनात्मयभूषितं पातुलः सर्वभीतिभ्यः कात्यायिनी नमस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासरसूषणम् त्रिशूलम् पातनभीतर्भद्रकाले नमस्तुते। हिनस्ति दैतेयांसि स्वनेना पूजया जगत् सा गन्धा पातु नो देवी पाप्योघ्नः सुदानिव असुरा सर्वसापङ्गचर्चितस्य करज्ज्वलः। शुभाय खण्डो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषानवहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपेणैकेन बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेतप्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु कृता त्वधन्या मम त्वगर्ते महान्धकारे बिभ्रामरेत्येतदेव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्य वराणि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपास्य विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपास्य विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश बन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथा सुरभदा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितां च मोहोपसर्गान् प्रधानां प्रसीदत्वं देवे विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामेढे लोकानां रथाफलम् देव्योवाच वरदाहं सुरगणां फलं जन्मन शैसत त्वमनुग्रहं प्रयच्छामि शरतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य ऐश्वरी
एवमेव द्वयाचार्यम् अश्वत्थैर्विनाशनम् येभ्यो वाच देवस्वरन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भसेवर्णम् उत्पद्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यहनिष्यामि व्यप्रलिप्ता सुधानवान् वक्ष्यन्ता सुधानुत्रान् व्यप्रलिप्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडुमि कुसुमोपमाः ततो माम् देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततम् रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनाविष्टा मनभृति मुनिभिः संस्कृता भूमा सम्भविष्यामि यो निजा ततः शरेण नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् ते सन्ति मनुजः सदाक्षेमिति माम् ततः तदाहमखिलम् लोकम् आत्मदेह समद्भवेः वरिष्यामि सुरा शाकैराविष्टैः प्राणधारकैः शाकम् धरेति विख्यातम् तदा यस्यमहम् भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमर्थम् महासुरम् दुर्गादेवेति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षांसि रक्षयिष्यामि मुनीनाम् प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे स्वशन्त्यानमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाक्षस्य लोके महाबाधाम् करिष्यति तदा रामरूपम् कृत्वा शङ्खय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य भोक्ता भविष्यति तदा तदा वतीर्याहम् करिष्यामि शरणद भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होते हैं।
विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधे के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्तम प्रभा मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या भीकरबालकेतविरसत् हस्ताभिराशेविता हस्ते चक्रगदाचिकेतविशिखाश्चापं गुणन्तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच देवेशमानित्यं स्तोषते या समाहितः तस्याहं सकलां वादां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति चेतद्वन्द्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति च विजये भक्त्या मम आत्मोत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चन दुष्कृतोत्था न चाबलः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानृतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति यस्मान् ममेतं महत्त्वं पठेतभ्यं समाहितैः श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थाय नहितात् उपसर्गान् शेषास्तु महामारे समभवान् तथा त्रैविधमुत्पातं महात्म्यं शमयन् मम यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नादद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रधाने भूयाय अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वममेतच्चरितम् उच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिभूयां तथा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महाभूया क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाभाद्राभिनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मुनश्यामत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः भवान् ऋभवः सङ्ख्यं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसामाहात्म्यमं शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमुयान्ते गृहपीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं च निवेदृष्टं दुःस्वप्नमुपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकम्
दुर्वृत्तानां शेषाणां वरहानिकरफलम् रक्षाभूतविशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपेश गन्धदीपेश सोत्तमे विप्राणां भोजने होमे कोक्षणीयर्हनिशम् अन्ने च भुजैर्भोगे प्रदानेर्वत्सरेण या प्रीतिमेन्द्रियसुचरितेषुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु जन्म जन्मे दुष्टदैत्यनिवारणम् तस्मै श्रुते भैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुयो याच ब्रह्मकृताः ब्रह्मणा च कृतासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जागत्वा बद्धो बन्धो कृतोऽपि वा आभूनितो वा पातेन सिता पोते महानवे पतसु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशधारुणे सर्वाभाजासु घोरासु वेदना प्रगतोऽपि वा समर्णमेतश्चेत नरमुच्चेत सङ्कटात् मङ्गलाव सिंहाजादस्य वो वैरेण सदा दूरादेव लायन्ते स्मरतशरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्का स्वाधिकाराण्यथा पुरा जघ्यभागभुजा सर्वे चक्रुविनियतालयः दैत्या च देव्यानिहते शुम्भे देवरिपो युधि यद्विद्वर्षणे तस्मिन् महावेतलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भुव जगतः परिपालनम् त्रयान्मो युगे विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा जायिता च विद्यानं तुष्टा विद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं देवदर्शनं ब्रह्माण्डं मनयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवश्रेष्ठै भवत्या स्तुतिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवलक्ष्मीवृद्धि प्रदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायो भजायते सुरा सम्भूयता पुष्ये धूमगन्धादिविष्टता ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभा अत्सत्यकुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्हला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासु न वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिर्व पार्वती मारणमोहनं वश्यं सम्भरोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ॐ ग्लौं ह्रूं क्लीं ढुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ज्वल हं सं लं सं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्जनि नमः केशवहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुभहन्ते च निशुम्भासुरघातिनि
यात्रे महादेवी यपन सिद्धम गुरुष में हिंकारी सृष्टि रूपाए हिंकारी प्रतिपालिका हिंकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंड गाते जयकारी वरदायिनी भिक्षे चाभदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणी दां धीं धूं धूयते पत्नी बां भीं भूं बागधीश्वरी क्रांतिं क्रूंकारिका देवी शांतिं सुमे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिणे जम 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 भनाधनी ब्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः हं कं चं कं 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 यं षं भीं दुं ऐं भीं हं षं द्विजाघ्रं द्विजाघ्रं त्रोटय त्रोटय गीतं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां खीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धं कुरुष्व मे निदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागतिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पचेत् नाथस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया पद्मनाशक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगदचिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृशनातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तुः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमस्ते जरे सङ्कटे राजगिरे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारयेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरे चन्द्रघोरे विभत्सागरे भजतां देहभाजा त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डघोदण्डलीला समत्खण्डिता खण्डलाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्वेदसन्दोहहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराजिता सत्यवादी नमेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा विरापिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि
देवी दुर्गे शिव भी मना दे सदा सर्व सिद्धि सदा स्वरूप विभूति सदा स्वरूप नमस्ते जगत्तारिणी प्राई दुर्गे शरणमसि सुराणाम् सिद्ध विद्याधराणाम् मुनि अनुजवराणाम् व्याधि विपीडितानाम् विपत्ति ग्रह घतानाम् दश विश्वासितानाम् त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवि नमावरजे जय पापवि
हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
प्रिय बंधु भक्तजन साधक जन, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजन जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते ही अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का स्तवन करते ही माँ भगवती की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्त का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में इस माँ जगजन्य जगत माता की जिन पर कृपा हो जाती है, जिन भक्तों के तीनों देवियों का माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त जन जो है भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं। चार गुरु जो हैं ये बतलाए गए हैं। सबसे पहले ईश्वर परमपिता परमात्मा, परमात्मा की कृपा। दूसरा जो है माता पिता। तीसरा दीक्षा गुरु। चौथा शिक्षा गुरु। ये चार गुरु बतलाए गए हैं। ईश्वर के बाद जो है माता पिता का स्थान आता है और माता पिता में भी माता जो है ये सबसे अक्षुण्य है। माँ का स्थान जो है ये अक्षुण्य है। इस प्रकार से माँ वास्तव में ये बच्चे की पहली गुरु तो माँ ही होती है। माँ जैसा मार्गदर्शन करे बच्चे का, वैसा ही बच्चा जो है वह संस्कृत होते हैं, उसमें ऐसे संस्कार आते हैं, वह सबोर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, जैसा माँ चाहे। इस संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं। राजा कुबल्याश्व, राजा कुबल्याश्व और इनकी रानी मुद्दालसा थी। कहते कि जिस समय इनका पाणिनि हुआ, इनका विवाह हुआ, तो मुद्दालसा ने अपने पति राजा कुबल्याश्व से कहा कि राजन, मैं जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं जो भी करूं आप देखेंगे परंतु रोकेंगे नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा संकल्प है, ये मेरी शर्त है, आपको माननी होगी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है कि मैं जो भी करूं आप देखेंगे परंतु मुझे रोकेंगे नहीं। राजा ने रानी की शर्त जो थी वह स्वीकार कर ली और जीवन चलता रहा। राजा बड़े ही धर्मशील राजा थे, शक्ति के माँ भगवती के उपासक थे, प्रजा का अपने और पुत्र की भांति इस प्रकार से प्रजा का पालन किया करते थे, बड़े धार्मिक राजा थे। देव कृपा ही राजा के घर में जो है पहला पुत्र हुआ, पहली संतान हुई। जब रानी के प्रथम पुत्र हुआ तब रानी जो है उस पुत्र को पालने में डाल करके उसे जुलाती हुई जो है लोरी न सुना करके उस पुत्र से कहती थी कि बेटा तू क्यों रोता है। जब बच्चा रोता उससे कहती कि बेटा तू क्यों रोता है, तेरा कौन है जो तेरे रुदन को सुनेगा, तेरे रोने को सुनेगा और रो जिस प्रकार से सुन करके द्रवित होगा। किसी के सम्मुख जो है दीनता प्रदर्शित जो है ये क्यों करता है, तेरे रोने से जो है क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा, तू रोएगा तो इस प्रकार से व्यर्थ अपने आंसू को क्यों बहाता है। इस रोने की अपेक्षा जो है चुप रह करके जो है विचार किया कर, को सोचा कर।
चुप रहकर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं, चुप रह करके विचार किया कर। पुत्र जो है ये माता की बातों को सुन करके चुप हो जाता, चुप रहने लगा। समय बीता, बालक बड़ा हुआ, यज्ञ में संस्कार हुआ, और यज्ञ में संस्कार के उपरांत जो है वह बालक जो पहला पुत्र जो है राजा का, वह घर का परित्याग कर करके वन की ओर चला गया चुपचाप। वन कर प्रस्थान किया, भगवान की आराधना करने लगा, तप करने लगा, तपस्वी हुआ। फिर जो है समय आने पर दूसरा पुत्र हुआ, और दूसरे को इसी प्रकार से माता मदालसा, रानी मदालसा जो थी, वह उसको यही उपदेश देते हैं। बालक चुप रहता, उसके जब यज्ञ में संस्कार हुआ तो वह भी वन की ओर प्रस्थान कर गया। कैकुस ने पहले कहा है कि राजा से मैं जो करूं आप केवल मात्र देखेंगे, मुझे रोकेंगे नहीं। दूसरा पुत्र भी चला गया। फिर समय आने पर तीसरा पुत्र हुआ, तीसरी संतान हुई, उसे यही उपदेश दिया, और वह उसका जब यज्ञ संस्कार हुआ और वह भी चुपचाप जो घर से निकल गया। तीन पुत्र वन में चले गए। तब करते हैं वन में कंदमूल फल खा लेते हैं, राजा के पुत्र हैं, भिक्षा मांग लेते हैं और तप करते हैं। और राजा मन विचार करते हैं जी सब क्या हो रहा है, कि कैसी शर्त इसने रखी, और बच्चों को ऐसा उपदेश दे रही है कि तीन पुत्र हुए, तीनों के तीनों राजा के पुत्र ही वन में चले गए। अब जब चौथी संतान जो है मां के घर में आई, तो राजा विचार करने लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ग्रस्त जो है, ग्रस्त का तो विनाश हो जाएगा, मेरे पीछे कौन रहेगा जहां पर। तब जो है उसने कहा कुछ भी हो, रानी को समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तब कहते हैं कि जब पुत्र का जन्म होने वाला था, राजा रानी मदालसा के पास गई और बड़ी विनम्रता से जो है उनसे कहने लगे कि आपने तीन पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया है, तीनों के तीनों जो वन में चले गए, वन में रहते हैं, बस तप करते हैं, भिक्षा अटन करते हैं, भीख मांग लेते हैं। अब जो चौथा पुत्र है, आगे पता नहीं मेरे संतान होगी कि नहीं होगी, आप जो है इस पुत्र को जो है ग्रस्त धर्म का उपदेश जो है ये दीजिए, ग्रस्त धर्म का, ये गृहस्थी बने, ऐसा उपदेश दीजिए। तो कहते हैं कि ये सुनकर के रानी जो है हंस पड़ी, रानी हंस पड़ी, और राजा की इस बात को जो है उसके आदेश का पालन करते, उसने कहा कि ठीक है, इसको मैं ग्रस्त का ही उपदेश दूंगी, ग्रस्त धर्म का उपदेश दूंगी, बात मान ली। पुत्र का जन्म हुआ, जो चौथा पुत्र हुआ है अलर्क जी। राजा अलर्क जो है बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं। अलर्क जो पुत्र हुआ, अब जब जो है जो चौथा पुत्र हुआ अलर्क जो है, अब जो है तो अलर्क जब लोता था तो रानी उसे पालने में डाल करके उसके झुलाते लोरी न सुना करके उससे जो है इस प्रकार से कहती थी कि बेटा रोना जो व्यर्थ है, रोने को कोई फायदा नहीं, रोना जो व्यर्थ है, किसी के सामने दीनता कहीं भी जो है नहीं दिखानी चाहिए, जो होता है उसे अपनी आंखों से देखा कर, जो भी हो रहा है अपनी आंखों से देखा कर, ये किसी भी वस्तु के लिए रोना नहीं चाहिए। बेटा संसार में जो कुछ भी है ये सब तेरा है, संसार में जो कुछ भी है ये सब तेरा है। इस प्रकार से माता उसे उपदेश दिया करती। अब जब उसका यज्ञ संस्कार हुआ, बालक बड़ा हुआ, ज्ञान प्राप्त किया, विवाह संस्कार हुआ, विवाह हुआ, वह बालक जो है बड़ा धार्मिक हुआ, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बड़ी आसक्ति थी, धर्म कर्म में खूब जो धर्म कर्म किया करता था। फिर जो है अर्थ धन लक्ष्मी भी बड़ी आसक्ति थी कि धन जो है जितना आ जाए इकट्ठा करते चले, काम कामना में इतना सख्त था। इस प्रकार कहते हैं इसके अनेक संतानें हुई, एक नहीं अनेक संतानें हुई इसकी, परंतु
इससे जो है धर्म अर्थ और काम इसमें इतना आसक्त था कभी संतुष्टि होती ही नहीं थी। खूब यज्ञ अनुष्ठान किया करता था, धर्म कर्म किया करता था। अब चलते चलते समय बीता, राजा कुमलाशु जो है अब वृद्धावस्था होने लगी। तो उसने एक दिन जो रानी से कहा कि अब जो है वृद्धावस्था आ गई है, अब हमें ही वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए, वन में चलकर के भगवान की आराधना, ताकि हम आगे का कल्याण करें। पहले राजा यही करते थे, पुत्र जब योग्य हो जाता था ग्रह संभालने के अर्थात राज्य संभालने के लिए जो है, तो जो है वह वन में चले जाते थे, ऋषि संतों के पास जाते थे, सत्संग करते थे और अपना उद्धार करते थे, जी परंपरा थी। तब राजा ने जब रानी से कहा कि अब जो हमें जाना चाहिए, पुत्र योग्य हो चुका है, इसे इसका राज्याभिषेक कर करके अब हमें गृहस्थ आश्रम से अब जहां से संन्यास ले लेना चाहिए। रानी ने कहा कि ठीक है, बात तो अच्छी है, चलना चाहिए। तब जो है पुत्र का राज्याभिषेक हुआ, पुत्र लड़के जो है राजा हो गए। राज्याभिषेक हुआ, दोनों पति पत्नी पति पत्नी जो जब है घर से जाने लगे, तो जाने से पहले रानी मदारसन ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तो जीवन में जो है इस पर ग्रस्त में इतना आसक्त है, धर्म कर्म भी करते हैं, उसमें बहुत आसक्ति है आपकी, खूब यज्ञ करते हैं और अर्थ धन में भी खूब आसक्ति है आपकी, कामनाओं में विशेष सकते हैं, तो इस प्रकार से जीवन में याद रखना कि ग्रस्त जो आप कहेंगे सुख है, तो ग्रस्त में सुख नहीं है, बड़े कष्ट आते हैं जीवन में। कभी कष्ट आए, विपत्ति है, ऐसा दुख आ जाए कि क्या आपका राज्य जा रहा है, जहां कोई शत्रु जो है इस प्रकार से आपको दुख दे रहा है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है, ऐसा कोई दुख आ जाता है जीवन में, तो बेटा जी सोने की अंगूठी, जिस सोने की अंगूठी मैं आपको दे रही हूं, इसको स्वीकार करें, और जिस समय बहुत बड़ी विपत्ति आएगी तो ये कोई रास्ता सूझेगा नहीं कि मैं क्या करूं, उस परिस्थिति में इस अंगूठी को खोल करके इसमें एक उपदेश पत्र मैंने लिख कर रखा है रेशमी कपड़े में, बड़े सूक्ष्म अक्षरों में जो है एक उपदेश लिख करके रखा हुआ है, बेटा उस समय इसको पढ़ लेना, तेरा दुख दूर हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ उपदेश दे रही है अपने बेटे को, इतना कह करके मैं अंगूठी दे करके दोनों पति पत्नी बन की ओर प्रस्थान किया, बन में जो है संतों का संग किया और इस प्रकार से भगवान की साधना करते हुए, भगवती की आराधना करते हुए वह पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा लर्क जो है राज्य कर रहे हैं, खूब विस्तार किया राज्य का जो है, परंतु जो है अनेक उसके पुत्रों के संतान हुई, राज्य को विस्तार किया, खजाना भी खूब इकट्ठा किया, यज्ञ भी करते हैं, परंतु विषयों से उनको आसक्ति जो बनी रही, विषय में आसक्त रहे, उसमें वैराग्य हुआ नहीं। कहते हैं कि ये बात जो है जब इनके बड़े भाई जो घर का त्याग कर चुके थे जिसका नाम सुबाहु था, सुबाहु को जब पता चलो वन में रहते तब करते हैं, हमारा छोटा भाई जो है इस प्रकार से धन संपत्ति में और विश्व में इतना आसक्त है, इसका कल्याण कैसे होगा, कैसे से मोक्ष को प्राप्त होगा, तो अपने छोटे भाई के लिए वह चिंतित हो गया। बड़ा भाई जो वैरागी था, वन में रहता तब करता था, हमारे छोटे भाई का कैसे कल्याण होगा, तो उसको विरक्त करना चाहते थे, तब विचार किया क्या किया जाए। तो कहते उस समय जो उन्होंने विचार किया उन तीनों भाइयों ने कि किसी शत्रु राजा से, जो इसका शत्रु हो उस शत्रु राजा से मिला जाए और हम उससे कहते हैं हमारा राज्य का अधिकार तो हमारे बड़े बेटे का अधिकार है, हमें अपना राज्य चाहिए। तब जो है कहते हैं, जो विचार कर करके वह काशी नरेश के पास गए और जाकर उनसे कहा कि हम जो अपना राज्य चाहते हैं, हमें आप जो है हमारा राज्य दिलाइए, हमारा छोटा भाई वहां राज्य करते हैं, राज्य का अधिकार तो हमारा है, हम बड़े भाई हैं। और राजा को पहले ही उसके साथ शत्रु थे, अब जो राजा ने कहा कि ठीक है हम दिलाते हैं आपको राज्य, उनने जो है वहां से जो है दूत भेजा, संदेश भेजा और कहा
किस प्रकार से अपने बड़े का भाई का राज्य जो है आप उसे दे दीजिए। यदि हम नहीं देते तो हम आपके साथ युद्ध करेंगे। धमकी दे दी इस प्रकार से। अब जो है वैविक क्षत्रिय था, लड़क ने कहा, संदेश भेजा कि मेरे बड़े भाई हैं, बस स्वयं मेरे पास आए, राज्य मांगे तो मैं दे देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु दूसरे राजा के साथ मिलकर के शत्रु राज्य को कहें और इस प्रकार से मुझे कहें कि राज्य उसको दे दे, तो मैं एक इंच भी भूमि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरे भाई आए मुझसे कहें मैं दे दूंगा। अब जो है बड़ा भाई भी जो है स्वभाव जो है दैविक क्षत्रिय है, तपस्वी है, ज्ञानी है, दैविक जाचना कहते क्षत्रिय के लिए जाचना उचित नहीं। हम क्यों जाचना करें, जाचना करना भी हम नहीं चाहते। इस प्रकार से जो होगा क्या युद्ध होगा। काशी नरेश जो अन्य राज्यों के साथ मिले और इस प्रकार से चलते चलते जो चलता गया और उसके नगर को घेर लिया। अब इस प्रकार शक्ति क्षीण होता हुआ राजा अलर्क जो था, अब सैन्य भी कम रहेगी, खजाना भी कम हो गया और इतना दुखी हो गया कि क्या करूं, कहां जाऊं। उस समय कहते हैं जब बड़ा दुखी हुआ तब उसे याद आया कि माँ ने मुझे वह सोने की अंगूठी दी थी। उसमें उपदेश लेगा कि माँ ने कहा था जब संकट में आएगा, विपत्ति में आएगा, बहुत दुखी हो जाएगा, तो उस उपदेश को पढ़ना। कहते उस समय राजा लर्क ने जो है स्नान किया, विद्वान पंडितों को ब्राह्मण को बुलाया और बुला करके पूजा की, स्वच्छ विभाजन करवाया और फिर उस सोने की अंगूठी का भी पूजन किया। बड़े ढंग से विधि विधान से पूजा की उसकी, उसके प्राण से खोला उस उपदेश पत्र को जो है और फिर जब पढ़ा और पढ़ करके क्या लिखा था मां ने कि बेटा संग आसक्ति, संग आसक्ति जो है का जो है जो है सब प्रकार से जो है त्याग करना चाहिए। कभी किसी में आसक्त मत हुई, चाहे पुत्र मोह है, चाहे धन मोह है, चाहे राज्य मोह है, जन स्त्री मोह है, किसी प्रकार संसार के जितने भी मोह है इसमें असक्त मत होइए। और यदि जो है जो त्याग ना हो सके तो फिर जो है ना त्याग कर सके तो आसक्ति किसमें करनी चाहिए। तो कहते हैं सत्पुरुषों का संग कीजिए, उनमें असक्त हुई, बड़े बुजुर्गों के देवी देवताओं का संग कीजिए, क्योंकि हम माँ के दरबार में आते हैं, बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, माता पिता की चरण सेवा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो क्या होता है आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब सद्ज्ञान प्राप्त होता है तो अपने आप वैराग्य हो जाता है। ज्ञान, ज्ञानी जो है ये अज्ञान त्रव्य अंधकार को दूर करने वाला है। तो आसक्ति जो है इसका त्याग करें, यदि नहीं कर सकते हैं तो संतों का संग करें, संतों में आसक्ति करें, उसमें शक्ति रखें, उनका संग करें। जो उपदेश पत्र जो है लिखा हुआ था, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही जो है इसकी औषधि, इसकी दवाई है इस दुख की। जो आपको इतनी आसक्ति हो गई है राज्य के प्रति, जो है विषयों के प्रति, इस प्रकार से जी एक औषधि है सत्पुरुषों का संग जो है, संतों का संग जो है। कामना को सर्वदा छोड़ देना चाहिए। जो कामना जो है, जो तृष्णा जीना भय में जीना, तृष्णा एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति समाप्त हो जाता है। एक कामना पूर्ण होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी। घर में जो है साइकिल नहीं है तो कामना पूरी, साइकिल मिल गया तो कहा कि नहीं मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए, अपने आप जो उसको चलाना, क्योंकि साइकिल होगा तो इस प्रकार से कष्ट करना पड़ता है, मोटरसाइकिल होगा तो उसमें जो है वो दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा। आज मोटरसाइकिल मिल गया जो कामना पूरी हो गई, नहीं नहीं हमें तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले ली, अब गाड़ी ले ली कामना पूर्ण हुई, नहीं ये तो छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी। तो ऐसे चलते चलते तृष्णा न जीरना भय में जीरना, कामना कोई समाप्त होती नहीं। तो कामना का त्याग करना, जो माँ ने उपदेश लिखा हुआ है कि कामना का त्याग करना, सर्वदा इसको जो छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ये छोड़ी ना जाए तो मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा करो, मुक्ति की कामना करो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी जो कामना करनी चाहिए। क्योंकि मोक्षा जो है उसकी कामना को मिटाने की एक दवा है। कि जब इस प्रकार से आप करते हैं तो अवश्य आपका कल्याण होगा। ये पत्र जैसे उसने पढ़ा, माँ ने जो उपदेश लिखा था उसको पढ़ते ही जैसे ही
नेत्रहीन व्यक्ति को ज्योति मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। ऐसे उसे जो है ऐसा मार्गदर्शन होगा उसको, उस उपदेश से जो है इस प्रकार उसको रास्ता, उसको मार्ग मिल गया कि मुझे करना क्या है। कहते हैं जट से उसने दूत को भेजा और काशी नरेश से कहा कि मैं राज्य छोड़ रहा हूं, मैं राज्य छोड़ रहा हूं, राज्य का त्याग कर रहा हूं, आइए और स्वीकार कीजिए। तब राजा काशी नरेश ने अब जो उसके बड़े भाई से कहा, भाई चलिए राज्य ग्रहण कीजिए। उसने कहा कि हमने राज्य क्या करना है, हमें तो चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा आपने तो कहा था। तो कहा नहीं, हमें राज्य चाहिए नहीं, राज्य चाहिए होता तो घर गृहस्थ में यहीं पर रहते, घर का त्याग करके क्यों वन में जाते। हम तो भाई को वैराग्य दिलाना चाहते थे ताकि इसकी आसक्ति जो है मिटे। अब जो है लड़क ने भी संकल्प ले लिया, मुझे तो राज्य का त्याग करना है, बड़े भाई लेना चाहते नहीं। तो कहते काशी नरेश से आप लीजिए। काशी नरेश कहते कि मुझे तो राज्य चाहिए नहीं, मुझे तो अपना भी अब छोड़ना है, अपना भी छोड़ना है। तो कहते हैं लड़क ने जो अपने पुत्र को राज्य दिया और काशी नरेश ने भी अपने पुत्रों को राज्य दिया और इकट्ठे ही सबके सब वन की ओर प्रस्थान किया। वन में कहते नहीं सदगुरु मिले कौन, दत्तात्रेय। देव कृपा जब होती है, जब वो कल्याण करना चाहते हैं किसी सदगुरु को, सदपुरुष को जीवन भेज देते हैं। ऐसी कृपा होगी दत्तात्रेय जो भगवान के अवतार थे उन्हीं का संग उन्हें प्राप्त हुआ सबको, और उनके संग से, उनके उपदेश से, उनके आशीर्वाद से इस प्रकार साधना करते हुए वे सबके सब पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो श्री माँ को बतला रहा था जी गुरु, गुरु की कृपा जब हो जाए, माँ जो है जी सदगुरु वास्तव में, माँ कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहती। ऐसी कृपा पर हुई आज जो है, जब माँ ने अपने दरबार में को बुलाया, अपने चरण में बिठाया, और इस प्रकार से इससे बड़ी गुरु और कौन हो सकती है। जो जगत गुरु है, इस देवी की जगजननी जगत माता की जिन पर कृपा हो जाती है, उनका बड़ा कैसे अमंगल हो सकता है, कभी नहीं। सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से जो साधक जन, जो भक्त जन इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ के चरण नतमस्त होते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, हमसे किसी प्रकार से कोई भूल, कोई पाप हुआ हो तो माँ में क्षमा करना और हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हम पर कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपकी जिनका कृपा होती है वही वास्तव में इस संसार में कल्याण को प्राप्त होते हैं, इस भवसागर से पार हो जाते हैं, उन्हीं का जो है कल्याण होता है जिन पर आप कृपा करते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तस्मा जगजन्य की सर्वदा पर कृपा बनी रहे और भगवती सब और से आपका कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अब भजन की वेला समय अधिक शुक है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना सम्मिल के बोलना ताली भी जाते हो श्री विजय कुमार। जयकारा श्री राम वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। उन्नत दे माँ दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, दे माँ दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, दे माँ दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, दे माँ दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। वो दुनिया पावे कुछ भी बोले, दुनिया पावे कुछ भी बोले, जरा नहीं कर दे संग, नच दे नच दे नच दे माँ मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, दे माँ दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। ताली सुने हाथ खोल गए, जले ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपसे मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। प्यारे बोल जकारे जगराते बिच आउंदे ने, राधे प्यारे बोल जकारे जगराते बिच आउंदे ने, ओ शीश चुका के मां नूं त्याग के मां दीआं भेटां गाउंदे ने, शीश चुका के मां नूं त्याग के मां दीआं भेटां गाउंदे ने, ओ सोरे ना दी मां दे हथ विच, सोरे ना दी मां दे हथ विच उड़दे बांग पतंग, नचदे आहो नचदे आहो नचदे आहो नचदे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भगती वा
चढ़िया भक्ति वाला रंग, माने मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। ओ दुनियादारी दे विच रह के, दुनियादारी दे विच रह के सब दा दर्श बनाउंदे ने, दुनियादारी दे विच रह के सब दा कर्म लवांदे ने। सुबह दुपहरी शामी भक्तो जय जयकार बुलांदे ने, सुबह दुपहरी शामी भक्तो जय जयकार बुलांदे ने। ओ नाम सहारा लेके जांदे, सहारा लेके जांदे उच्चे पर्वत लंघनते, नचदे 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 माने मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माने मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माने मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, माने मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। माने भगता चरना दी, ओ माधे भगता मां चरना दी धूल मथे ते ला लीए, माधे भगता मां चरना दी धूल मथे ते ला लीए। ओ चलवे भगता मां दे दर ते नच के भाग जगा लीए, चलवे भगता मां दे दर ते नच के भाग जगा लीए। ओ नचदा गाउंदा दर ते आजा, नचदा गाउंदा दर ते आजा, ओ मन विच रख के मंग नचदे रहो नचदे रहो नचदे माधे वाला रंग। ओ दुनिया पावे कुछ भी बोले, 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 जराज करते संग नचदे रहो नचदे रहो नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। दुनिया पावे कुछ भी बोले, 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 जरा निकल से संग नचदे रहो नचदे रहो नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग, नचदे माधे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंदर जी। जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे मथे ते लिख देना अपना, मेरे मथे ते लिख देना अपना, ओ मेरे मथे ते लिख देना अपना, मेरे मथे ते लिख देना। ओ जेड़ा वेखे समझ लवे तेरी वे, जेड़ा वेखे समझ लवे तेरी वे, ओ लग जाए जिंदगी मेरी वे। मेरे मथे ते लिख देना अपना, ओ मेरे मथे ते लिख देना अपना, ओ मेरे मथे ते लिख देना अपना, मेरे मथे ते लिख देना अपना। ओ जेड़ा वेखे समझ लवे जेड़ा वेखे समझ लवे तेरी वे, ओ लग जाए जिंदगी मेरी वे। मेरे मथे ते लिख देना अपना, मेरे मथे ते लिख देना अपना, ओ मेरे मथे ते लिख देना अपना, मेरे मथे ते लिख देना अपना। रात दिन मैं लिख लिख दाती तैनू चिट्ठियां पाइया, रात दिन मैं लिख लिख दाती तैनू चिट्ठियां पाइया, हुण ते आ जा ना कर अड़िया कानू पाइया जुदाइया, हुण ते आ जा ना कर अड़िया कानू पाइया जुदाइया। ओ मेरी दुबदी तार तुपकी तार दे बेड़ी वे, ओ मेरी तुपकी तार दे बेड़ी वे, ओ मेरी तुपकी तार दे बेड़ी वे, मैं ता जन्म जन्म दी तेरी वे। मेरे मथे ते लिख देना अपना, मेरे मथे ते लिख देना अपना,
रोज बहाने होते राजा मेरी भैया लानी रोज बहाने ओ दुनिया मैनू जीन ना देंदी लोकी मारन ताने दुनिया मैनू जीन ना देंदी लोकी मारन ताने ओ मैं ता करा बंदगी लिख देना वो केड़ा आके मेरी मैया कमली नू समझावे केड़ा आके मेरी मैया कमली नू समझावे वो तेरे बाजों अखियां नू हुण कुछ भी नजर ना आवे तेरे बाजों अखियां नू हुण कुछ भी सानू चरनी लगा लै दातिए 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 ओ तेरे घर ते पावा फेरी वे मेरे मत्थे ते लिख देना अपना मेरे मत्थे ते लिख देना अपना ओ मेरे मत्थे ते लिख मेरे मथे ते लिख देना अपना ओ जेड़ा वेखे समझ लवे तेरी 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 ओ लग जाए जिंदगी मेरी वे मेरे मथे ते लिख देना अपना मेरे मथे ते लिख देना ओ जो कोई तैनू मेरी मैया शरदा नाल पुकारे जो कोई तैनू मेरी मैया शरदा नाल पुकारे उस भगत दे तू महारानी बिगड़े काज सवारे उस भगत दे तू महारानी बिगड़े काज सवारे ओ मेरे वेखी नयो गुण दातिए 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 मैं ता करा दी भगती तेरी वे मेरे मथे ते लिख देना मेरे मथे ते लिख देना अपना मेरे मथे ते लिख देना अपना मेरे मथे ते लिख देना अपना ओ जेड़ा वेखे समझ लवे तेरी वे 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 ओ लग जाए जिंदगी मेरी वे जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय दुखों ने घेर लिया दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है मैं
मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा। I'm gonna be nice, I'll be nice.
तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, भगत तेरा खबर आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। आ दुखों ने घेर लिया भगत तेरा खबर आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है, माँ तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है, मैया सेवक आया है। माँ तेरा सेवक आया है, मैया तेरा सेवक आया है। जयकारा श्री वाली राम बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मां जग नूं हसाउण वालीए सानूं हसियां बड़ा चीर होया। जग नूं हसाउण वालीए सानूं हसियां बड़ा चीर होया। तेरे नाल प्रीत लाके सब जग बैरी होया। दुख मैं सुनावा किस नूं मेरा सब जग बैरी होया। मां तेरे नाल प्रीत लाके मेरा अंग अंग रूर रोया। तेरे नाल प्रीत लाके मेरा अंग अंग रूर रोया। मां शेरा वालिए जोतां वालिए मलाटां वालिए जोतां वालिए मलाटां वालिए माशेरां वालिए जग देव सके दादी तू टुकरानी ना। मेरी बारी पीछे छुपी है मैं तो लब लब पागल होया। मेरी बारी पीछे छुपी है मैं तो लब लब पागल होया। मां तेरे नाल प्रीत लाके मेरा अंग अंग शेरा वालिए मेरा वालिए मेरा वालिए मेरा वालिए मां जोतां वालिए मलाटां वालिए जोतां वालिए।
ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੇ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਇਆ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਉਤਿਤ ਹੈ ਮਰੁਚਿ ਰਾਮ ਰਵਿਚੰਦਰ ਭੈਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਧਨੋ ਸਰ ਜੋਤਾਂ ਕੁਸ਼ਭ ਸੁਸ਼ੋਲਾ ਰਮੇ ਰਭੁਜੈ ਸਧਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪਾ ਕਾਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦਿ ਭਜਾ ਮਿਰਤੇਂਦੁਲੇਖਾ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੰਪਾ ਸੀ ਆਪ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਤੀ ਮੀ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੀ ਮਾਂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਸ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਪ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਗਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆਪ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਮਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੀ ਆਪ ਸੇ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵੇ ਸੰਤਤੇ ਭਾਣ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਸਵੀ ਭਵੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਣ ਭਵੇ ਭੂਰਿ ਭੂਤ ਕਰਣੇ ਦਾਣੇ ਕਨਿਸ਼ਠ ਭਵੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵੇ ਬੈਰਿ ਗਰਭ ਦਲਣੇ ਵਪਾਰਿ ਦਕਸ਼ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭਰ ਪਾਦ ਪੂਜਨਿਤ ਹੈ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵੇ ਮੰਤ੍ਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਣਾਮ ਬੁੱਧਿਨਾ ਸੋਸਤ ਮਿੱਤ੍ਰਾਣਾਮ ਦੇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮ ਆਰੋਗਯਮ ਅਵਿਦਾਤ ਸ਼ਮਮਾਨ ਮਹੀਯਤਿ ਧਨੰ ਧਾਨਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤ੍ਰ ਲਾਭੰ ਸਸਮਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤੋ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿਧ ਕਰੇ ਸਭ ਹੋਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਭੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਪ ਸੇ ਭਕਤ ਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਸਮਲ ਕਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਲੀ ਜਾਤੇ ਹੋਈ ॐ जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरे मैया जय मंगल करणे मैया जय आनंद करणे तुम को निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ॐ जय अम्बे ਖੜਗ ਖਬਰਦਾਰ
मैया जोड़ी सभी हेरे मधु कैटव धव मारे मधु कैटव धव मारे सुराया हे न करे ओम जय ओम पे गौरी ब्रह्मा ने रखा तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी भैया नृत्य करत भैरो पुजारी जी मैं भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मैं भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मैं भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे 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 जय जगद
से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सम्मिल करके बोलना ओ देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, सङ्गच्छद्वं सङ्गच्छद्वं, सम्बद्धं सम्बद्धं, सम्भमनसि सम्भमनसि, जानतां जानतां, देवाभागं देवाभागं, यथा पूर्वे यथा पूर्वे, सञ्जानानां सञ्जानानां, उपासते उपासते, ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः। शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, द्वितीय त्रिपुरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश, जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया पहल तो सतगरी जो चरणा का ज्ञान, जय Thank you.
दरबार की जय।